गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन योर ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को याद होगा, प्रीवियस क्लास में मैंने कल आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 बताई थी। सो नाउ वील टॉक अबाउट द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। सो व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8? इफ द नंबर्स फॉर्म बाय इट्स डिजिट्स इन हंड्रेड्स, टेन्स एंड वन्स प्लेसेस इज डिविजिबल बाय 8, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। एग्जाम्पल के लिए समझिए गाइस, फॉर एग्जाम्पल 2528 एक नंबर दिया हुआ है, ये 4 डिजिट में है। हम लोग क्या करेंगे, इसके 3 डिजिट के नंबर को लिखेंगे। तो इसके 3 डिजिट तक नंबर से क्या फॉर्मेशन होता है, 528 का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम लोग चेक करेंगे, अगर ये 528 डिविजिबल होगा 8 से, तो ये पूरा नंबर जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। नाउ नंबर 9, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। इफ सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर जितने डिजिट दिए हुए हैं उनका सम अगर 9 से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, 9216 एक नंबर दिया और हम लोगों को चेक करना है ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो पूरे को डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे, इसके सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर दीजिए। सो 9 + 2 + 1 + 6, जब आप इसके नंबर्स को ऐड करेंगे, देन वैल्यू विल बी 18। और आप सभी को पता है कि 18 9 के टेबल में आता है, 9 से 2 टाइम्स में 18 हो जाता है। दैट मीन्स कि 18 डिविजिबल है 9 से, तो ये सारा नंबर भी 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। स्टूडेंट्स, 10 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल इजी है। अगर वंस प्लेस पर किसी भी डिजिट के वंस प्लेस पर 0 हो, तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल 6950, 5320। तो क्या 4235 डिविजिबल होगा? नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10 बिकॉज इट्स वंस प्लेस इज 5। सो 10 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या होना चाहिए, वंस प्लेस पर 0 होना चाहिए। नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, कोई नंबर 11 से डिविजिबल होगा, इसके लिए कंडीशन है कि उस नंबर के जो ऑड प्लेसेस हैं और जो इवन प्लेसेस हैं, उनके सम का डिफरेंस जो है वो या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। नहीं समझ आया, चलिए हम लोग इसको एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल हियर इज 90739। तो अगर 9 को हम लोग ऑड प्लेस मान ले, तो 9, 7 और 9, ये तीनों ऑड प्लेस हो जाएगा। 9, 7, 9, ये तीनों ऑड प्लेस होगा। तो हम इसके तीनों ऑड प्लेसेस को ऐड करेंगे। जब इन तीनों ऑड प्लेसेस को ऐड करेंगे, देन द वैल्यू विल बी 25। सो ऑड प्लेस का वैल्यू कितना आ गया, 25 आया। अब हम लोग इसके इवन प्लेस को ऐड करेंगे, तो इवन प्लेस में क्या है, 3 है एंड 0 है। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे, तो उनका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 + 3, 3। नाउ अब ये जो ऑड प्लेस और इवन प्लेस का जो वैल्यू आया है, इन दोनों का आपस में हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। ओके, सो नाउ ऑड प्लेस का वैल्यू 25 था और इवन प्लेस का वैल्यू 3 था। जब इन दोनों का डिफरेंस निकाले, तो वैल्यू आ गया 22। तो क्या 22 11 के टेबल में आता है? तो यस, ये 11 से डिविजिबल है। देयरफॉर ये होल नंबर जो होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। सो स्टूडेंट, दो कंडीशन है, या तो 0 होना चाहिए, ओके, अदरवाइज इट विल बी मल्टीपल ऑफ 11। अगर इसमें से कुछ भी होगा, तो 11 से डिविजिबल होगा। सो स्टूडेंट, आज मैंने आपको जितने भी डिविजिबिलिटी रूल्स थे वो सारे बता दिए। नाउ अब आपको करना क्या है, एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्सरसाइज 2B, 1 to 10, दिस इज योर होमवर्क। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर यू ऑल।